हाय एवरीवन वेलकम टू वाइस रॉक रिसर्च मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज एयर सो ट्रेडर्स मिस्टर ट्रंप इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स तो बहुत बढ़िया तरीके से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दी है एंड कल भी एक ट्रेंडिंग डे था आज भी एक अच्छा ट्रेंडिंग डे आया तो मैंने कुछ बी टी एस टी पोजिशन लिए हैं आज मैंने टोटल तीन बार ट्रेड्स लिए थे मॉर्निंग में एक प्रॉफिट गया था एक छोटा सा लॉस लिया था उसके बाद में एक और प्रॉफिट लिया तो जो एंडिंग में मैंने आपको ट्रेड बताया था ओके okay. तो मैं हर रोज़ नौ से ग्यारह आता हूँ तो मेक श्योर sure आप भी आएँ ओके okay, जिससे आप लोगों को एटलीस्ट एग्जीक्यूशन सीखने को मिलेगी वहाँ पर लाइव तो अब क्या सीन है भाई लोग समझो उस बात को अब देखिए आप अब यहाँ पर अगर हम पंद्रह मिनट के पहले हम डेली शार्ट पर आ जाते हैं डेली शार्ट पर अगर हम देखेंगे बाजार ने एक बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से रिकवरी दी है अब अगर आप ओवरऑल पूछेंगे बाज़ार यहाँ से ऑल टाइम हाई से दबा के नीचे टूटा है एफ बेच रहे थे सब कुछ कर रहे थे यहाँ पर एक अच्छी बाइंग आई है ओके तो अब यहाँ से क्या प्लानिंग रह सकती है उसको समझते हैं सबसे पहले हम लोग पंद्रह मिनट के चार्ट आते हैं पंद्रह मिनट के शॉट पे बाज़ार दिवाली हाई के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली बहुत सही सीन है यहाँ पर पाँच मिनट पे अगर आप देखेंगे आज हमने क्या किया है आज हमने पुल बैग्स पर बाइंग की है बहुत बेहतरीन वाली पुल बैग्स पर हमने बाइंग की है ओके एंड बाज़ार ने अच्छा रिटर्न भी दिया है पूरे दिन कोई बैठने की ज़रूरत नहीं है आपको दो तीन बार एंट्री मिलती है उसमें काम कर लो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो तो जब तक आप सौ दो सौ पॉइंट ना निकाल लो आप बैठ हाथ ही नहीं हटाओगे ऐसे मत करो प्रॉफ़िट लो निकलो दैट्स इट दैट इज़ इट इसके अलावा आपने और ज़्यादा कुछ हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है अब कल का प्लान क्या रहेगा कल के प्लान को समझते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली चीज़ ये जो एरिया है गाइज ये वाला ये ये वाला जो एरिया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाज़ार ने इस जोन के पास ऑफ एक रेजिस्टेंस बनाया था और दोबारा यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न देखे फिर इधर आया बाज़ार ओके तो कल अगर कोई बड़ा गैप अप खुलता है बाज़ार को 200-300 पॉइंट ऊपर खुलता है तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ क्या होगी बी वाले ना प्रॉफिट बुक करेंगे मैं भी यही करने वाला हूँ ओके बिकॉज अब जाहिर सी बात है बाज़ार यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है और अगर अब यहाँ खुलता है तो मुझे लगता है यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी अगर हम यू मार्केट को फॉलो करते हैं और गैप अप खुलते हैं अगर कल एशियन मार्केट्स गैप अप खुलती है तो हमारी मार्केट भी जाहिर सी बात है गैप अप खुलेगी अगर ये सब होता है तो चांसेस हैं कि बी वाले फुल एक्टिव हो जाएंगे और अगर पहली कैंडल एक मिनट पे रेड या कुछ बनने लग गई ना तो फटाफट सौदा काटेंगे नॉर्मल सी बात है किसी को भी प्रॉफिट जाना अच्छा थोड़ी ना लगता है तो वहाँ पर एकदम से ना वॉल्यूम आएगी बाज़ार नीचे आएगा ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग ना अपने एंट्री को समझ लेते हैं तो कहीं पर भी बाज़ार खुले ऊपर खुले कहीं पर भी खुले सबसे पहली एंट्री हमारी गैप अप पे क्या होने वाली है बाजार फटाफट नीचे आएगा नीचे अगर आता है तो हम लोग यहाँ पर कुछ वेट करेंगे अपनी बाइक की यहाँ पर बाज़ार में प्राइस एक्शन बनेगा हम यहाँ पर बाइंग करेंगे ये हमारा सबसे प्लान नंबर वन रहना ओके okay. अब बाजार में अगर कोई गैप डाउन हो गया तो क्या होगा बी वालों की भटेगी सीधी सी बात है क्यों होगा ये क्योंकि भाई वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रंप आया है तो बाजार ऊपर जाना चाहिए तो हमारा तो प्रॉफिट बनेगा ऑटोमेटिकली तभी लोग करते हैं क्विक प्रॉफिट्स तो अगर बाजार यहां खुला यहाँ खुला और एकदम से नीचे गया तो जाहिर सी बात है फियर किकिन होगा फियर किकिन होगा तो उनको अपने सौदे को निकालना होगा जल्दी जल्दी ओके okay? समझ रहे हो बात जैसी जल्दी जल्दी सौदा निकलेगा मोस्ट प्रॉब्बली एस होंगे उनके यहाँ पर ठीक है या फिर इस रेड लाइन के नीचे या फिर मैक्स टू मैक्स दिवाली हाई के नीचे ओके अगर बाजार एकदम से ऐसे नीचे जाता है और फिर रिकवरी देता है प्राइस एक्शन देता है यहाँ पर फिर हम यहाँ पर बाय करेंगे ओके ये दो एरियाज़ हैं जो मैं बाय करने वाला हूँ और अगर बाजार एकदम से ऊपर जाता है मैं बाय नहीं करूँगा मैं डिप की वेट करूँगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर डिप आई थी उसके बाद बाजार ऊपर जाएगा बट अगर डिप नहीं आई दोबारा तो चांसेस है बाज़ार दोबारा घूम जाएगा नीचे तो मुझे डिप चाहिए ठीक है दोबारा डिप आएगी तो ही बाय करूँगा नहीं तो मैं बाय नहीं करने वाला सेलिंग अप करने वाले हैं सेलिंग बता दूँ अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाजार बहुत स्टीप तरीके से ऊपर गया है तो अगर कल कोई गैप डाउन होता है या फिर बाजार एकदम से नीचे निकलता है और रिकवरी नहीं होती है और बाज़ार ऐसे घूम के नीचे निकलता है मतलब मान लो ये पहला इस टाइप से बाजार गिरा इसका पचास परसेंट भी बाजार ने क्रॉस नहीं किया तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं सेल करने वाला हूँ पचास परसेंट मतलब मान लो बाज़ार में पहले पाँच दस मिनट में एकदम से ऐसे फॉल आया ठीक है तो आपने क्या करना है उस हाई और लो को मार्क कर लेना है उसका फिफ्टी परसेंट यहाँ पर होगा बाजार थोड़ा ऐसे ऊपर जाएगा यहाँ से बाजार गिरेगा बस मेरे को इधर सेल करना है फिफ्टी परसेंट के नीचे समझ रहे हो बात बहुत सिंपल ट्रिक है कल लाइव आऊँगा देख लेना एक बार समझ में आ जाएगा तुम्हें तो ये अपना प्लान रहने वाला है इसको मैं फॉलो करूँगा दैट्स इट और कोई अपना प्लान नहीं है इसके अलावा बैंक निफ्टी में आ जाते हैं तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट हुई नहीं एक रीज़न हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा तगड़ा था तो अगर आप कल देखेंगे कल निफ्टी उतना आपनी था जितना बैंक निफ्टी था बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे दो परसेंट आप था तो हो सकता है आज ब्रिदर ले रहा है और आपका निफ्टी जो है वो कैचअप रैली कर रहा था तो कोई बड़ी बात नहीं है तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या सीन है ये जो जोन है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट फॉर्मेशन हुई है क्लियर है इतनी बात और यहाँ पर एक ब्रैकेट है और यहाँ पर एक ब्रैकेट है बाजार ने क्लियरली इन सारे जोन्स को क्रॉस कर दिया तो मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटर्स बैठे हुए थे यहाँ पर आप लेके चलो कि आपके कॉल राइटर्स बैठे हुए थे उन सबको हटा दिया है बाज़ार यहाँ पर टिक रहा है बाज़ार नहीं नीचे गिरा तो उसका मतलब बाज़ार होल्ड करना चाहता है तो अगर कल कोई गैप अप होता है इसके ऊपर ठीक है इसके ऊपर कोई गैप अप होता है तो यहाँ से एक अच्छी मूव आएगी एटलीस्ट फिफ्टी टू एट हंड्रेड तक तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा क्योंकि आज बाज़ार नहीं हिलाए तो कल हिलने के चांसेस ज़्यादा हैं अलर्ट रहिएगा है। ओके तो सबसे पहला ट्रेड तो हमारा ये हो गया अब सेकेंड ट्रेड क्या रहेगा सेकेंड ट्रेड ये रहेगा कि बाज़ार में एक बार भी ना बाज़ार में क्या हुआ है ऊपर के बाद से पुल बैक के बाद कोई कंटिन्यूशन नहीं हुई है ठीक है तो अगर कल सुबह सुबह मॉर्निंग में अप होता है रेड बार बनता है और बाज़ार नीचे आता है तो हम यहाँ वेट करेंगे और यहाँ प्राइस एक्शन के साथ हम लोग बाइंग करेंगे ठीक है समझ गए कल लाइव में देख लेना उसके बाद अगर यहीं पर खुलता है और नीचे आता है बाज़ार तो सबसे पहले ये जो है ना इसको बाज़ार चेक करेगा इसको चेक करेगा तो यहाँ पर आके एक ऐसे हंटिंग करेगा बाजार यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे समझ रहे हो बात समझो दिमाग में देखो कौन कहाँ बैठा हुआ है बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना तो यहाँ पर बाइंग होगी एंड वी आर गोइंग टू टारगेट समझ गए तो बस इतना प्लान रहेगा हमारा दैट्स इट इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ और हाथ पैर नहीं मार रहा हूँ सिंपल रखते हैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं एक बार आप देखते हैं कि यूएस मार्केट्स का कैसा इंपैक्ट रहेगा ग्लोबल मार्केट्स पर ठीक है तो कल से देखते हैं कल से क्या सीन होता है तो आई होप दिस सेल्फ वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कॉमेंट जरूर करना कि आपका दिन आज कैसा था और लाइव ट्रेडिंग से आपको कितनी हेल्प हो रही है So I'll see you tomorrow, 9 a.m.